नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट मिल्क केक। इंस्टेंट के नाम से सभी के चेहरे पे हंसी आ जाती है, क्योंकि जो चीज इंस्टेंटली बन जाए, बिना मेहनत के बन जाए, वो सभी को अच्छी लगती है। तो हम बनाएंगे इंस्टेंट मिल्क केक। बहुत ही जल्दी, फटाफट, बहुत ही टेस्टी मिल्क केक बन जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम मावा लिया है। 200 ग्राम ही हमने पनीर ले लिया है, फ्रेश पनीर हमने ले लिया है। आधा कप हमने चीनी ली है। किसी भी कटोरी से आप नाप के, घर की जो छोटी कटोरी होती है उससे नाप के ले सकते हैं, या मेजरिंग कप है तो आधा कप नाप के ले ले। आधा कप हमने ये दूध लिया है। इसके अलावा हमने थोड़ा सा, आधा टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर लिया है। इलायची को कूट के उसका पाउडर बना के ले सकते हैं। उसके अलावा हमें 2 से 3 चम्मच घी की जरूरत होगी। तो चलिए ये हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक भारी तले की कोई कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम ये मावा डाल देंगे। मावा को थोड़ा सा मैश कर लेते हैं, हाथों से इसे तोड़ लेते हैं। इस तरह से तोड़ लेंगे तो ये चूरा हो जाएगा। देखिए, इस तरह से हमने मावा को तोड़ लिया है। अब ये जो पनीर हमने लिया था, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो पनीर कद्दूकस कर लिया है, इसी में हमने, इसी में ये दूध डाल देते हैं। और फिर हम इसमें ही ये आधा कप जो चीनी ली है, वो चीनी भी डाल देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, पनीर, खोया और चीनी, दूध, सब कुछ मिक्स हो गया। देखिए कितना सा अभी ये ड्राई लग रहा है। तो अब हमें इसे कुक करना है। तो इसको हम कुक करने से पहले हमें इसे सेट करने के लिए एक पैन तैयार करके रख लेना है। तो हमने ये केक का टिन होता है स्क्वायर, वो हमने ले लिया है। उस पर हमने घी लगा के और बटर पेपर बिछा दिया है। अगर आपके पास टिन नहीं है तो कोई भी थाली या प्लेट में आराम से आप इसे जमा सकते हैं। तो बटर पेपर अगर बिछा रहता है तो बहुत ही अच्छे से क्लीन निकल आता है। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा 2-3 बूंद हम घी लगा देते हैं, क्योंकि जब एक बार ये मिल्क केक का बैटर पक जाता है, फिर टाइम नहीं होता है इसे, तो हमने पहले ही इसे सेट करने के लिए पैन तैयार कर लिया। तो हमने गैस के ऊपर इसे चढ़ा दिया। तो ये देखिए, थोड़ा सा गर्म होते ही चीनी मेल्ट हो गई और ये कितना लिक्विडी सा दिखने लगा है। हमें इसे अच्छे से कुक करना है, मसलते हुए हम इसे कुक करेंगे। तेज आँच है इसलिए इसमें से छिट्टियाँ बहुत उड़ती हैं। तो एक ढक्कन ले लें इस तरह से, और जैसे छिट्टियाँ उड़ने लगे, ढक्कन से बंद करके चलाएं। बार बार हम इसे बंद करेंगे और चलाते रहेंगे। हमें इसे छोड़ना नहीं है, हर 1-2 मिनट पे हमें इसे चलाना ही है। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये पक गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। टोटल में 2 से 3 चम्मच घी का ही यूज करना है। 1 चम्मच घी हमने इसमें अभी डाल दिया है और इसे हम चलाते हैं। तो ये देखिए कैसा दानेदार सा दिख रहा है, जैसा कि होता है मिल्क केक बाजार से हम लाते हैं। बहुत ही अच्छा ये वैसा ही मिल्क केक बनता है। तो ये देखिए, ये छिट्टियां इसमें उड़ रही हैं। हम इसे बार बार बंद कर लेते हैं। फिर से हमने इसमें 1 कप घी डाला है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। हम इसमें इलायची पाउडर भी डाल देते हैं। हमने आधा टीस्पून इसमें इलायची का पाउडर डाल लिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हमें इसे एकदम अच्छे से ड्राई हो जाने तक करना है, जब तक ये जमने जैसा कंसिस्टेंसी इसकी ना हो जाए। तो ये देखिए, थोड़ा गाढ़ा, काफी गाढ़ा हो गया है। तो लास्ट का 1 चम्मच घी हमने इसमें और डाल दिया है। बस हमारा घी इसमें, 3 चम्मच हमने घी इसमें यूज कर लिया। और ये देखिए, ये हमारा मिश्रण एकदम गाढ़ा हो गया है और ये कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है, एकदम ड्राई हो गया है। तो अब हम इस स्टेज में इसे ट्रांसफर करेंगे, जो केक का टिन हमने तैयार करके रखा था। एकदम गरम गरम ही हमें इसे इसमें डाल देना है और चम्मच से हम बराबर इसे दबा के इस तरह से कर देंगे। हल्का सा घी लगा लिया था चम्मच में। तो अब इसे हम, अगर ढक्कन वाला पैन है तो ढक्कन बंद कर दें, नहीं तो आप इसे एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से ढक दें और 2 घंटे इसे ऐसे ही छोड़ दें। 2 घंटे के बाद हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए, 2 घंटे हो गए और ये हमारा मिल्क केक का मिश्रण एकदम सेट हो गया है, ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, बटर पेपर बिछा था तो कितनी आसानी से ये बाहर आ गया है। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। तो आपको जैसे पीसेस चाहिए वैसे काट ले। हम इसके थोड़े लंबे लंबे, पतले पतले से पीसेस काट रहे हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इंस्टेंट मिल्क केक बन के तैयार हो गया है। यकीन मानिए, खाने में बहुत ज्यादा
स्वादिष्ट होता है। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।